दोस्तों आपको भी फंगल इन्फेक्शन हो रहा है और आपको पता नहीं ये कैसे ठीक करना है, या तो फिर आपको फंगल इन्फेक्शन हुआ है, आपने डॉक्टर से ट्रीटमेंट लिया, मेडिकल में से कुछ क्रीम्स लगा के ट्राई की पर वो गया नहीं, वापिस आया, उसके दाग छूट के वो जा ही नहीं रहे, तो ऐसे कोई प्रॉब्लम आप भी फेस कर रहे हो तो ये वीडियो जरूर देखे। हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर किरण चुटोलिया, आई एम अ डर्मेटोलॉजिस्ट एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन फ्रॉम अर्बन स्किन एंड हेयर क्लिनिक पुणे ब्रांच। तो दोस्तों फंगल इन्फेक्शन आजकल बहुत प्रिवेलेंट एंड कॉमन है इंडिया में। रिंग वर्म, कैंडिडियल इंट्रिगो और ऐसे काफी सारे सुपरफिशियल स्किन में फंगल इन्फेक्शन होते रहे हैं। आपको अगर इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी चाहिए कि होते क्या है और कैसे, तो हमारा एक पहला वीडियो आप जरूर देखें। आज के वीडियो में आपको मैं प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट पार्ट के बारे में जानकारी देना चाहूंगा। तो दोस्तों ये जो फंगल इन्फेक्शन होता है, उसको जब भी आप कोई डॉक्टर या जब मेरे पास पेशेंट आता है तो हम कैसे अप्रोच करते हैं, तो उनको दो चीजें देनी रहती है। एक तो हम जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसको टैबलेट्स और क्रीम्स और वो अच्छे से फॉलो करना, प्लस घर पे कुछ चीजों को बहुत अच्छे से ध्यान देना है ताकि वो हमेशा के लिए फंगल इन्फेक्शन से दूर रहे। प्रिवेंशन का पार्ट है वो हमें करना है। फंगल इन्फेक्शन में डेफिनेटली प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। अब जितना बचोगे, जितना ध्यान दोगे वो बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो उसके कुछ कॉमन टिप्स है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला आपको क्या करना है, तो रोज दो बार नहाना है। टू टाइम्स नहाने का आपको फायदा क्या मिलेगा, बेनिफिट्स क्या मिलेगा, आपकी डेड स्किन के लेयर्स कम रहेंगे, फंगस जो पूरे दिन में जमा होगी स्किन में, स्किन के लेयर्स में वो कम होगी। तीसरा जो पसीना होता है खास करके बॉडी फोल्ड्स में, प्राइवेट पार्ट्स में, थाइज में, सब जगह पे, तो वहां का पसीना कम होता जाएगा। तो ये तीनों चीजें है अगर कम रहेगी तो फंगस का इन्फेक्शन होने की चांसेस और उससे अपॉर्चुनिटीज कम हो जाएगी। आप डायरेक्टली अपना प्रिवेंशन का पार्ट वहां पे ही कवर कर रहे हो। दूसरा है क्लोथिंग हैबिट। आपको जीन्स और ऐसे कपड़े कम पहनने हैं, टाइट फिटिंग अंडर गारमेंट्स आपको अवॉइड करने हैं। अगर आप ऐसे कपड़े पहनने के आदि और आप रोज पहन रहे हो तो डेफिनेटली आपको कम से कम आवर्स तक पहनने हैं। जैसे आप घर पे आ जाओ प्रिफर करो नाइट ड्रेस या ऐसे लूज कॉटन के कपड़े पहनने का। ओके, आप कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो तो अवॉइड करो जींस और ऐसी चीजें कम करने का और लूज कॉटन के क्लोथ्स और वो प्रीफर करने का। तीसरा है कि आपको फुटवेयर और ग्लव्स, अगर आप ग्लव्स या फुटवेयर रेगुलरली यूज कर रहे हैं, आपको पूरा दिन टाइट शूज पहनने रहते हैं, पसीना उसमें ज्यादा आ रहा है हाथ पैर में, तो उनको हफ्ते में एक बार धूप में सुखाने की आदत डालो, उनको अच्छे से वॉश करो, उसमें डेड स्किन और वो जो जर्म्स डेवलप होंगे वो क्लीन होते जाएंगे। फोर्थ है कि आपको जो क्रीम्स आप यूज कर रहे हो, मेडिकेटेड क्रीम्स, वो बिना डॉक्टर की सलाह के मत लीजिए। अभी इंडिया में ट्रेंड चल रहा है कि काफी सारी कंपनीज ने मिक्स क्रीम्स जमा की है, मिक्स क्रीम्स मार्केट में लॉन्च की, जिसमें स्टीरॉयड भी होता है, एंटी फंगल भी होता है, एंटी बैक्टीरियल भी होता है। तो दोस्तों ऐसी क्रीम्स आपको नहीं यूज करनी चाहिए जिसमें 4-5 कंटेंट हो। खास करके स्टीरॉयड वाली क्रीम आपको फंगल इन्फेक्शन में नहीं यूज करनी है। इससे आपको डेफिनेटली 2-3 दिन में अच्छा फायदा लगेगा, ऐसा लगेगा कि ये क्रीम मैंने 2 दिन यूज की और उससे बहुत फायदा हो गया, स्किन का पूरा रिएक्शन बढ़ गया। पर दोस्तों आपने वो स्किन की इम्यूनिटी को डाउन कर दिया, फंगस इन्फेक्शन को वो नहीं मार पाती। तो दोस्तों ऐसी क्रीम्स आपको अवॉइड करनी है जितना हो सके, वरना ये आपको हमेशा के लिए बॉडी में फंगल इन्फेक्शन दर्ज कर जाएगा। आपको तो ठीक है, आपके घर में फैमिली मेंबर्स और दोस्तों को भी हो सकता है, आप कंटीजियस हो जाओगे। सेकेंड है जिम और ऐसी जगह पे अगर जा रहे हैं तो आपको ध्यान देना है कि ऐसी जगह पे जाने के बाद तुरंत आपको बात लेनी है। ये सब हो गया आपका बेसिक। नाउ और क्या चीजें कर सकते हो, और है कि आप अपना एक रेगुलर हैबिट में पाउडर यूज करना चालू करो, खास करके बॉडी फोल्ड्स में, जिससे वहां पे पसीना और वो सारी चीजें कम होगी। इंडिया में काफी सारे एंटी फंगल पाउडर्स मिलते हैं, कुछ बेसिक नाम दूं तो मैं कैंडिड नाम का एक लैंडमार्क कंपनी का मिलता है, कैनस्टेन करके मिलता है। तो ये सारे जो एंटी फंगल डस्टिंग पाउडर होते हैं आप रेगुलरली यूज करो, पसीना ज्यादा आ रहा है तो 2 बार यूज करो, 3 बार यूज करो, पर डेली उसके हैबिट बनाओ, प्राइवेट पार्ट्स में, बॉडी फोल्ड्स में वो लगाना चाहिए। दूसरा, डॉक्टर्स के दिए गए ट्रीटमेंट, तो डॉक्टर जो आपको ट्रीटमेंट देते हैं 2 पार्ट में देते हैं, मेनली क्रीम्स और टैबलेट्स रहती है। जब भी कोई डॉक्टर आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट करे, डर्मेटोलॉजिस्ट या स्किन स्पेशलिस्ट, तो आपको पूरा एंड टू एंड ट्रीटमेंट करना है। काफी लोगों का ऐसा लगता है कि 15 और 20 दिन का डॉक्टर ने टैबलेट्स दिया है तो उसमें फंगल इन्फेक्शन में मुझे रिलीफ मिल गई है तो वो फंगल इन्फेक्शन से क्योर हो चुका है। दोस्तों ऐसा नहीं है, फंगस की ग्रोथ बहुत स्लो होती है और मेजोरिटी जो एंटी फंगल मेडिसिन होती है वो फंगस की ग्रोथ के ऊपर रोकने का काम करती है, फंगस को मार नहीं पाती। जैसे कोरोना वायरस को मारा नहीं जा सकता, सेम फंगस को मार नहीं सकते, उसकी ग्रोथ अवॉइड कर सकते हैं और डेड स्किन क्लियर होने तक का वेट कर सकते हैं। तो ये पीरियड 2 से 4 महीने तक हो सकता है।
होता है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ फंगल इन्फेक्शन में डिफरेंट टाइप ऑफ पीरियड होता है, आपके डर्मेटोलॉजिस्ट वो पीरियड सेट करते हैं। टैबलेट और उसके डोज आपकी फंगस की कितनी सीवियरिटी है, आपकी बॉडी में फंगस की ग्रोथ कितनी प्रिवेलेंट है, सीवियर है, उसके हिसाब से वो डोज सेट किए जाते हैं और हर 20 दिन या 30 दिन में वो चेंज करते रहते हैं। तो उनको फॉलोअप टाइम पे देना जरूरी है, मिनिमम 2 से 3 महीना ट्रीटमेंट करना चाहिए। जब तक आपके फंगस की वजह से पिगमेंटेशन या दाग है वो नहीं गए तब तक आपको ट्रीटमेंट चालू रखना चाहिए। एंड इन फ्यूचर आपको प्रिवेंशन के जो टिप्स मैंने दिए वो भी फॉलो करनी है। अगर आप ऐसे करोगे तो आपका फंगल इन्फेक्शन डेफिनेटली क्योर होगा। और जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, हम आपको हेल्प करेंगे। तो दोस्तों ये जानकारी थी प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट पार्ट ऑफ फंगल इन्फेक्शन। और कुछ आपको चाहिए जानकारी तो हमें डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए, कॉल कीजिए। दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहे। थैंक यू।